टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी, आपका फेलो, और आज हम बात करने वाले हैं आई भूमि आई वन या फिर आई वन एस के बारे में। अगर बात करें इस प्रोडक्ट की तो ये आता है चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी की तरफ से। और यार बात करें अगर प्राइसिंग की ना, तो ये चाइनीज वालों को कोई टक्कर दे नहीं पाता है। आप बताओ अगर कोई इंडिया में ऐसी कंपनी है जो हमारी होम ग्रोन कंपनी है कोई, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोमैक्स कार्बन, अगर ये ऐसे कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं जो इन ब्रांड्स को टक्कर दे पाए तो उससे अच्छी बात हो पाएगी या नहीं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी इंडियन कंपनी है जो इन ब्रांड्स को टक्कर दे पाती है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। और इसीलिए जो चाइनीज कंपनी है इंडिया में आके अपना जो मार्केट है उसको ग्रो करती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं आई भूमि आई वन और आई भूमि आई वन एस के बारे में। बेसिकली दोनों में बस एक ही चीज का डिफरेंस है, दोनों सेम ही मॉडल है, सब कुछ सेम है। एक चीज का डिफरेंस है वो है इसकी रैम और मेमोरी का, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम रहने वाली है। तो हम जो स्पेसिफिकेशन है वो देखते हैं आई भूमि आई वन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइस की, मतलब जो मैं बात करने वाला हूँ सारे पैकेज की, ये सब कुछ आपको मिलेगा 5999 में और 6499 में, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 6000 में और 7500 में ये फोन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्प्ले मिल जाता है वो मिल जाता है 5.45 इंच का, और यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो है 18:9 का मिल जाता है। इसके साथ ही जो डिस्प्ले है वो फुल HD नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाता है HD डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे एक मिड रेंज का प्रोसेसर मिल जाता है MediaTek का, जो 1.4 GHz Qualcomm प्रोसेसर है MT6737 का, जो आपको एक बेसिक फंक्शनलिटी देगा, मतलब आपकी लाइट फोटोग्राफी, लाइट वीडियोग्राफी, लाइट गेमिंग, लाइट मल्टीटास्किंग, लाइट मल्टीमीडिया यूजर्स के लिए ये प्रोसेसर काफी है। उसके बाद यहाँ पे रैम मिल जाता है आपको 2GB का, और रोम मिल जाता है 16GB का। लेकिन अगर बात करें आई भूमि आई वन एस के बारे में तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रैम 3GB का और रोम मिल जाता है 32GB का। बस यही दो डिफरेंस है दोनों फोन के बीच में। उसके बाद बात करते हैं कैमरा सिस्टम की या लेंस सिस्टम की, तो यहाँ पे फोटोग्राफी सेक्शन में आपको जो बैक कैमरा मिलता है वो मिलता है 13+2 का, और जो फ्रंट कैमरा मिल जाता है वो मिलता है 8MP का। तो यहाँ पे एक अलग चीज ये है कि यहाँ पे आपको इस प्राइस रेंज के अंदर ड्यूल कैमरा पीछे देखने को मिल जाता है। तो इसकी परफॉर्मेंस हम इतनी एक्सेलेंट नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो कैमरा है मिड रेंज फोन का कैमरा है, तो क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर बात करें ड्यूल कैमरा सिस्टम की, तो वो यहाँ पे आपको 6999 रुपए में ड्यूल कैमरा मिल रहा है। इसके बाद बात करें इसकी पावर हाउस की, तो यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है 3000mAh की, मतलब 3000mAh की बैटरी, 1.4GHz प्रोसेसर, और तो कोई चीज नहीं है। तो बैटरी भी मॉडरेट है, मतलब जो प्रोसेसर है और जो बैटरी का कॉम्बिनेशन है, तो प्रोसेसर भी मॉडरेट है, बैटरी भी मॉडरेट है, बैटरी कंजप्शन थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो सारी बेसिक कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है यहाँ पे। वोल्टेज सपोर्ट मिलता है, वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, GPS है, और IR तो नहीं है इसमें, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों अगर बात करें मेरे ओपिनियन की इस फोन के बारे में, तो सबसे पहले ये जो कंपनी है इसका सेकंड स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, कंपनी बहुत एक्साइटेड है लेके, क्योंकि जो फर्स्ट स्मार्टफोन था उसके भी जो व्यूज आए थे वो अच्छे आए थे। और मेन थिंग जो है, जो USPS फोन के अंदर सबसे पहले आपको ड्यूल कैमरा सिस्टम मिलता है, उसके बाद आपको जो प्राइस रेंज है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है यहाँ पे, मतलब 6000 से 7000 के बीच में आपको एक ऐसा फोन दिया जा रहा है जिसमें ड्यूल कैमरा है, एक मिड रेंज प्रोसेसर है, बैटरी ठीक ठाक है, और 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो है। तो मेरे ख्याल से ये फोन ठीक है। अगर हम बात करें सेम प्राइस रेंज में इंडिया में आपको और कौन कौन से फोन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको रेडमी 5A मिल जाता है, मोटो सी प्लस मिल जाता है। तो ये फोन आपको इंडिया में मिल जाएगा ऑनलाइन स्टोर्स पे, और ये एक्सक्लूसिव है, तो अभी स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पे ऑफर्स भी देखने को मिलेंगे, आप चेकआउट कर लो ऑनलाइन स्टोर्स पर जाके। मेरे ख्याल से तो फोन ठीक है। अगर आपको कैसा लगा फोन, आपके क्या ओपिनियन है इस प्राइस रेंज में, और कोई फोन इंडियन मार्केट में है तो आप मुझे बताओ, मे बी मुझे ना पता हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। और दोस्तों आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में, कि आपके अकॉर्डिंग ये फोन अच्छा है या नहीं है, आपके ओपिनियंस क्या है, जरूर मेरे से शेयर करना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो मैं कहता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक बेसिक फोन चाहिए, एक बेसिक से रिक्वायरमेंट है, तो मेरे ख्याल से ये फोन इतना बुरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में और कोई स्मार्टफोन इतने स्पेसिफिकेशन इतने फीचर्स नहीं देता है। तो अगर हम प्राइस को ध्यान में रखें तो ये फोन ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, इसके साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना है तो आप कर दो उनके साथ जिनको ये फोन चाहिए, जो इस रेंज का फोन देख रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प आउट हो जाए। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।